और बड़ी खबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बीपीएससी कोर्स से चुने गए सभी पीयू और हेडमास्टर को आदेश जारी किया गया है। बड़ी खबर, वन रिजल्ट वन जॉब के तहत ही पोस्टिंग होगी, यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजधानी पटना से शिक्षकों की ज्वाइनिंग को लेकर एक आदेश जारी किया गया है, इस वक्त बड़ी खबर, नौकरी कर रहे लोगों के लिए आदेश है। और रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर, रजनीश एक बड़ी खबर आ रही है यहां पर, कैसे ज्वाइनिंग होगी, कब उन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और किन किन शिक्षकों पर लागू होगा, क्या है इस बारे में खबर? देखिए भैया, 11 नवंबर से बिहार के मैं सभी सरकारी स्कूलों में जहां जहां सीट वैकेंट है और जो नियोजित के साथ साथ जो नवनियुक्त टीचर हैं जिनकी पोस्टिंग शुरू हुई है उसको लेकर के पाठक ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है कि अब जो भी सरकारी सेवा में है या नियोजित टीचर है पहले से, उन्हें अगर बीपीएससी में अगर सफलता मिली है तो उनकी ज्वाइनिंग तभी होगी जब वो पहले की नौकरी को त्याग पत्र देंगे। यानी नियोजित टीचर है उन्हें त्याग पत्र देना होगा, रिजाइन देना होगा, या जो भी सरकारी सेवा में है उन्हें भी रिजाइन देना होगा, और उसके साथ साथ विडम्बन पत्र, त्याग पत्र और अनापत्ति पत्र, ये तीन पत्र जो है ज्वाइनिंग के समय जो है जो शिक्षक है उन्हें जमा करना होगा, और उसके बाद जो एचएम है वो ज्वाइनिंग लेंगे। तो कुल मिलाकर एक बड़ा आदेश है क्योंकि वन जॉब जो है ये सिस्टम जो है अपनाया जा रहा है, यानी वन रिजल्ट वन जॉब ये जो सिस्टम है इसको फॉलो करना, और इसी को लेकर जो है अब एक तरह से सभी एचएम सभी पीओ को ये आदेश दिया गया है, और अब रिजाइन करने के बाद ही वो नई नौकरी प्राप्त कर। रजनीश, कोई समय अवधि है कि कितने समय तक ये उनको वक्त दिया गया, इतने दिनों में आप काम पूरा कर लें? 11 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक सभी स्कूलों में जो है सॉफ्टवेयर के जरिए रैंडमली जो है पोस्टिंग होनी है, जिसको लेकर अलग से कमेटी गठित की गई है, शिक्षा विभाग में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और वहीं से निगरानी रखी जा रही है।